अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फूड बेस्ड सुपर स्टोर इस तरह के सुपर स्टोर नॉर्मली जिस तरीके से अभी हमने कन्वेंशनल सुपर मार्किट्स की बात की इससे कम्पेरेटिवली बड़े स्टोर होते हैं कंपेरेटिवली ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं इस तरह के रिटेल स्टोर जो हैं जो कि सुपर मार्केट्स हैं ये नॉर्मली यूली साइज के हवाले से कॉम्बिनेशन स्टोर से छोटे होते हैं और कन्वेंशनल सुपर मार्किट से बड़े होते हैं आसान जुबान के अंदर अगर हम तीन टाइप्स ऑफ रिटेलर का एनालिसिस करें कन्वेंशनल सुपर मार्किट के हवाले से फ़ूड बेस्ड सुपर स्टोर के हवाले से और कॉम्बिनेशन स्टोर्स के हवाले से जिसको भी हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे तो इस तरह की रिटेलर की कैटेगरी इन दोनों के दरम्या में फॉल करती है नॉर्मली इसकी असॉटमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दनवेशनल सुपर मार्केट और कम होती है एज़ कम्पेयर टू द कॉम्बिनेशन स्टोर्स एरिए के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो आपको फ़ौन रिकॉल करना चाहिए ये कन्वेंशनल सुपर मार्केट का एरिया वॉज अपू थर्टी थाउजेंड स्क्येयेयर फिट फूड बेस सुपर स्टोर का एरिया नॉर्मली तीस से पचास हजार स्क्यर फिट के दरमियान होता है इसका मतलब यह कि एरिया के हवाले से ये नॉर्मली कन्वेंशनल सुपर मार्केट से एक बड़ी मशीन है इसी तरीके से नॉर्मली इट इज़ फूड बेस्ड ऑल्सो लेकिन ऑन दी अदर साइड इसमें ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ द सेल शेयर वो जनरल मर्चेंडाइज से आता है जब हम जनरल मर्चेंडाइज़ की बात करते हैं तो जनरल मर्चेंडाइज के अंदर तमाम तरह की प्रोडक्ट्स बेशक वो सीजनल प्रोडक्ट्स हैं बेशक वो गार्डनिंग्यूपमेंट है बेशक वो डी आई वाई की प्रोडक्ट्स हैं बेशक वो ज्यूलरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा हमारे पास अगर वो शूज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं यानी कि जो जनरल मर्चेंडाइज इवन स्मॉल अप्लाइंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ जनरल मर्चेंडाइज़ सो नॉर्मली जो फूड बेस्ड सुपर स्टोर हैं इन स्टोर्स के अंदर ऑफ कोर्स 70-75 परसेंट एटी परसेंट ऑफ़ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द फूड कैटेगरीज लेकिन 20 टू 25 फाइव परसेंट ऑफ़ द सेल शेयर इट कम्स फ्रॉम द जनरल मर्चेंडाइज विच आर मेजरली नॉन फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स जिस तरीके से मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स दी यहां पर आपको हम एक और पैरामीटर के अंदर अगर हम इसको देखें तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल फ्लावर्स की भी नज़र आ रही है आपको यहाँ एग्जाम्पल गार्डनिंग इक्विपमेंट की, की भी नज़र आ रही है आपको इसके अलावा और सीजनल प्रोडक्ट लटे से लगेज की एग्जाम्पल्स है लट्स से हमारे पास स्मॉल अप्लायसेज की एग्जाम्पल है जिसके अंदर कैटल है जिसके अंदर टोस्टर है जिसके अंदर जूसर है और इस तरह की बहुत सारी स्मॉल अप्लायंसिस स्क। जो कि नॉर्मली अवेलेबल होती हैं इस तरह के रिटेल स्टोर के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स मेरे सामने मौजूद हैं सबसे पहले भारतीय स्टोर की एग्जाम्पल है वन ऑफ़ द वेरी गुड एग्ज़ाम्पल ऑफ सुपर स्टोर विच इज़ फूड बेस्ड बिग बाजार की एग्जाम्पल है अगेन वन ऑफ द गुड एग्ज़ाम्पल ऑफ सुपर स्टोर बिग सी की एग्जाम्पल है वन ऑफ़ द गुड एग्ज़ाम्पल ऑफ सुपर स्टोर विच इज़ फूड बेस्ड वॉलमार्ट की एग्जाम्पल है विच इज़ मेजरली सेलिंग फूड प्रोडक्ट्स फूड बेस्ड स्टोर की फूड बेस्ड सुपर मार्किट की गुड एग्जाम्पल्स में से है अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट के हवाले से बात करूँ इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट के अलावा तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिस तरह मैंने बताया था सीएसडी एग्जाम्पल लास्ट स्लाइड के अंदर लास्ट पॉइंट्स के अंदर लास्ट टाइप ऑफ रिटेलर के अंदर मैंने एक बात बात एक्सप्लेन की की थी कन्वेंशनल करते वक्त, कि कुछ सी एस डी स्टोर ऐसे हैं जो जोर मार्केट के क्राइटेरिया के ऊपर उतरते हैं इसी तरीके से कुछ सीएसडी स्टोर ऐसे भी हैं जो कि सुपर मार्केट फूड बेस्ड सुपर मार्केट के क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं अलफते बहुत अच्छी एग्जाम्पल है हमारे पास सुपर स्टोर की विच इज़ फूड फूड बेस्ड तो अगर आप किसी भी तरीके से सुपर स्टोर्स की को कोलेबरेट करना चाहें सुपर स्टोर्स को आइडेंटिफाई करना चाहें सुपर स्टोर्स को एग्जाम्पलीफ़ाई करना चाहें तो जो मैंने आपको इंटरनेशनल और लोकल एग्जाम्पल्स दी इस क्राइटेरिया के ऊपर रहते हुए अगर आप उस पैरामीटर को उतारेंगे उस डेफिनेशन के पैरामीटर को ऊपर उतारेंगे और वो बिल्कुल सिंपल है उसी तरीके से जिस तरह हम बाकी टाइप्स ऑफ रिटेलर को डिस्कस करते आ रहे हैं और वो क्या है वो मैं दोबारा आपको बताने लगा लगाऊँ समराइज़ करने लगा हूँ कि देयर टारगेट शुड बी द एंड कंज्यूमर दे विल बी सेलिंग द प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर और वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सुपर स्टोर के अंदर हैं वो आपको और मैंने अभी डिस्कस की हैं यानी कि फूड प्रोडक्ट्स हैं और सम पार्ट ऑफ नॉन फूड प्रोडक्ट्स हैं सम पार्ट ऑफ जनरल मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स हैं उनका बिजनेस वॉल्यूम कितना होना चाहिए उनकी असॉटमेंट कितनी होनी चाहिए उसका एरिया कितना होना चाहिए वो ये सारी बातें आपको इन एग्ज़ाम्पल्स के अंदर बड़े अच्छे तरीके से हेल्प करेंगी इसको एक्सप्लेन करने में और इसको समझने में